हमें अपने रिश्ते की नींव को और मजबूत करना पड़ेगा कि ऐसे छोटे मोटे हवा के झोंके इसे गिरा ना सके। सावी और नित्यम के रिश्ते की नींव हुई कमजोर। सावी चाहती है सबकी मदद करना। बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के शो सावी की सवारी के अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि सावी नित्यम से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नींव है रिश्ते की वो और मजबूत हो जाए, जहाँ पर नित्यम कहता है कि ये किसी और के वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे आदर्शवादी सिद्धांतों की वजह से। जहाँ दूसरी तरफ सावी पहुँच जाती है ऑटो रिक्शा वालों के पास। आप लोग जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं इस मसले का बीच का रास्ता निकालना चाहती हूँ। बीच के रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं। अगर बीच और वहाँ पर कहती है कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के पास क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग कोई बीच का रास्ता निकाले। लेकिन रजाक कहता है कि इसके बीच का रास्ता कोई नहीं है। जहाँ सावी कहती है कि मैं मिस्टर डालमिया को अच्छे से जानती हूँ, वो कोई भी प्रोजेक्ट हारेंगे नहीं बल्कि आप लोगों का रिक्शा चलाना बंद कर देंगे, और जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं कहेगा उसका रिक्शा उज्जैन की सड़कों पर नहीं दौड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, सावी की या नित्यम की। कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।